नमस्कार, हिमाचल अपडेट में आपका स्वागत है। पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत मिश्रवाला में एक महिला ने अपने प्रेमी के जुल्मों से तंग आकर 125 फुट पानी की टंकी पर चढ़कर मौत को गले लगाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का कहना है कि वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, जिसकी शिकायत पुलिस में दी थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पता चला कि महिला पुलिस थाना बाजार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी और बाता पुल क्रॉस करके एक गांव में रहती थी। वह धोला कुआं के सुद्दा वाला पुल के नज़दीक शिव मंदिर के नज़दीक लोकेश कुमार के संपर्क में आई। महिला ने 2 बच्चों व पति को छोड़कर लोकेश कुमार के साथ रहने का फैसला लिया और अब महिला को लोकेश ने 2 महीने से घर से निकाल दिया। वह मिश्रवाला में किराए पर रह रही थी। वहाँ पर आकर भी युवक ने उसके साथ मारपीट की। महिला का कहना है कि वो मौत को गले लगाने को मजबूर है, जिसका जिम्मेदार लोकेश होगा। डीएसपी पोंटा साहिब वीर बहादुर से बात की गई। उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। और मैं धोड़ा कुआ सुद्दावड़पुर से आई हूँ और मेरा जो पति है लोकेश कुमार, उसने मेरे को मारपीट के घर से निकाला है और अब मैंने माजरा थाने में कंप्लेंट की है। वहाँ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मेरे पास ना रहने के लिए छत है, ना कपड़े हैं, ना खाना है, कुछ भी नहीं है। और मैंने कंप्लेंट भी करवाई है, ये शिकायत दर्ज करवाई है माजरा थाने में। और मैं ये सरकार से चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं होता तो मेरे को लास्ट में मैं मरने सिवाय मेरे पास कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं, विचार नहीं है, क्या करूँ। अब सरकार से गुहार है कि मेरी मदद की जाए। बस शादी